बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल रायपुर दुर्ग भिलाई में 21 लोहा कारोबारियों के ठिकानों पर सर्वे कार्रवाई जारी है और जिसमें आईटी टीम खंगाल रही है कि सभी कंप्यूटर्स, लैपटॉप और बैलेंस शीट को, जिसमें सभी संचालक कारोबारी नुकसान दिखाकर लगातार कम रिटर्न कर रहे थे जमा, जिसमें कार्रवाई पूरी होने के बाद बड़ा खुलासा भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईटी टीम खंगाल रही है कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सभी दस्तावेज, सभी कारोबारी नुकसान दिखाकर कम रिटर्न भरते थे, जिसमें कार्रवाई पूरी होने के बाद जाहिर है उम्मीद की जा रही है कि बड़ा खुलासा हो सकता है। तो आयकर विभाग की तरफ से ये जो कार्रवाई की जा रही है वो अब भी जारी है। रायपुर दुर्ग ऐसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब भी कार्रवाई चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ चौरा समाचार शिवम मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवम, क्या छापेमार कार्रवाई अब भी चल रही है? क्या खुलासे अभी तक होने की उम्मीद जताई गई है? जी बिल्कुल, देखिए कल से आयकर विभाग द्वारा कई स्थानों में, राजधानी समेत दुर्ग भिलाई कई स्थानों पर आयकर विभाग का छापेमार कार्रवाई की गई। इसमें फिलहाल अभी कार्रवाई कल सुबह से लेकर के रात भर और आज सुबह तक चली है। इसके बाद आगे इसकी और जानकारी हम लेंगे आयकर विभाग के अधिकारियों से। और देखा जा सकता है कि सर्वे की भी कार्रवाई एक तरीके से चल रही है। वहां पर अलग अलग जगह स्थानों पर पहुंचकर आयकर की टीम वहां पर कंप्यूटर और बैलेंस शीट और तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। और ऐसा आशंका जताई जा रही है कि लगातार जितनी कंपनी है, स्टील कंपनी और कारोबारी अपने आप को घाटा में बताते हुए आयकर कम भरते थे कर, और इसके चलते लगातार टीम अलग अलग स्थानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवा। वहीं कैश